हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट विद ममता से मैं ममता शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल तरीके की, आप इसको राजमा कह लीजिए, दाल कह लीजिए, तो ये एक बहुत ही स्पेशल है। तो इसको लोबिया कहते हैं हमारी तरफ को, और आपकी तरफ क्या बोलते हैं आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये एक ऐसी रेसिपी मैंने आज बनाई है जिसके आगे राजमा छोले सब फेल हैं। अगर ये बना लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। चलिए, तो गाइस ये देखिए, मैंने लोबिया की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे ये ओवरनाइट लोबिया यहाँ पे सोक करके रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से भीग चुका है। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे से ये भीग गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक कुकर में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो गाइस ये मैंने प्रेशर कुकर में इसको शिफ्ट कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हम किन किन मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो बॉईल करते समय मैंने यहाँ पे ये 12 से 15 दाने काली मिर्च के लिए हैं, और ये छोटे छोटे दो टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, एक हरी इलायची है, एक मोटी इलायची है जो काली वाली होती है, दो लौंग और एक तेजपत्ता। तो अभी हम क्या करेंगे, उबालते समय हम इसको इसमें डाल देंगे। तो डालते समय इसको थोड़ा सा मैं क्रश करूंगी, तब डालूंगी, और बाकी चीज़ें मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फिल्टर लिया है, मैं इसमें इसको डाल दूंगी। इससे क्या है, आपको बाद में निकालने में दिक्कत नहीं होगी, वरना आपको छाटना पड़ेगा ना। ये लौंग भी मैंने डाल दी है। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। अब मैं इसको बंद करके, अब हम इसमें क्या करेंगे, कम से कम 4 से 5 सीटी इसमें लगाएंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से पहले गलाएंगे। तो ये मैंने इसमें छोड़ दिया है, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालती हूँ। और नमक इस समय अभी हम कम ही डालेंगे, क्योंकि नमक हम इससे थोड़ा सा बाद में भी ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसमें से 1 चम्मच करीब नमक डालती हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बनने में लगभग राजमा जैसी ही बनती है, लेकिन खाने में राजमा से कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी होती है ये। तो चलिए अब हम इसको 4-5 विसल के बाद आपको दिखाते हैं। चलिए, तो गाइज इसमें मैंने 4 से 5 बिसल आई थी, तो उसके बाद मैंने इसे बंद कर दिया था। और ये देखिए, मसालों ने अपना कलर पूरा छोड़ दिया है, ये पानी पूरा ब्लैकिश सा बीच में हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका अब कोई काम नहीं है ना, तो अब हम इसे निकाल देंगे। इसने जितना अपना रस छोड़ना था सब छोड़ दिया है। ठीक है, इसे किनारे कर देंगे, और चेक करते हैं कि हमारे ये लोबिया गले या नहीं। ये देखिए कितने बड़े बड़े से हो गए ना, ये देखिए कितने बढ़िया से गले हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए बिल्कुल कितने बढ़िया से गले हुए हैं, बहुत बढ़िया। हमें ऐसे ही चाहिए, इतने ही गले हुए चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका मसाला तैयार करते हैं। इसको एक तरफ किनारे कर देते हैं। तो मसाले के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा साइज़ का मेरे पास ऑनियन था, वो मैंने इसमें कट कर दिया है। इसमें 2 बड़े साइज़ के टमेटो मैंने डाल दिए हैं, और ये एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं एक मिक्सी का जार लूँगी और ये सारा कुछ कट करके इसमें डाल दूँगी, और इन दोनों का एक अलग अलग फाइन पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने मसाले पीस के बिल्कुल तैयार कर दिए हैं। गैस पे मैंने एक पैन रखा है, और उसमें ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/4 टीस्पून करीब हींग डालेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इसमें ये मसाला भी ऐड कर रही हूँ, जो मैंने अनियन और अदरक पीस के रखी है वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। Thank you.
और अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और धीरे धीरे इसको अब हम भूनेंगे, थोड़ा ब्राउन होने तक भूनेंगे, ठीक है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम में रखिएगा वरना ये जल जाएगा अगर आप हाई में रखेंगे तो, और फिर ये टेस्टलेस हो जाएगा। तो जब तक वहाँ पे अनियन वगैरह यहाँ पे भुन रहा है ना, तो तब तक ये जो टमाटो की प्यूरी है तो इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। मसालों में सबसे पहले ये हाफ टी स्पून करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1/4 टी स्पून करीब मैंने मिर्च डाली है। मैं बार बार कहती हूँ कि नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें, ठीक है। और ये 1 टी स्पून करीब मैंने धनिया पाउडर डाला है और नमक जैसा कि मैं पहले डाल चुकी हूँ और अभी मैं थोड़ा ही डालूँगी, तो ये 1/2 टी स्पून करीब मैंने यहाँ पे नमक डाल लिया है और ये 1/2 टी स्पून से भी कम मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। और हमेशा से सीक्रेट मेरा ये यहाँ पे मैंने किचन किंग मसाला 1 चम्मच डाल दिया है। तो आप किचन किंग की जगह पे राजमा मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर ना हो तो ये डाल लीजिए, ये सभी कमियों को पूरा कर देगा, आपकी हर मसाले की कमी को पूरा कर देगा, ठीक है। तो चलिए अब हम फिर प्याज की तरफ चलते हैं, उसे अच्छे से ब्राउन करते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये मसाला भुन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमें इतना ही इसको ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं जलाएंगे, ठीक है। तो अभी इस बीच क्या करेंगे, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मसाले को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे भुना है, क्योंकि लो टू मीडियम भी नहीं करा है, लो पे ही भुना है, तभी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और वरना ये जल जाएगा, फिर जलने वाली खुशबू आएगी इसमें से, और क्या है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारा कुछ इसमें, ये जो टमाटो की प्यूरी है और मसाले हैं, ये हम सब इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब इसको भी भूनेंगे ऑयल रिलीज होने तक, बहुत बहुत बढ़िया से इसको भूनना है, हमने बढ़िया सा एक इसकी प्यूरी तैयार करनी है, बढ़िया सी। चलिए, लेकिन इसके लिए मैं ज़रा सा अभी गैस को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, फिर बाद में लो कर दूँगी, अभी मैंने इसको लो टू मीडियम कर दिया है, अभी मैंने इसको लो टू मीडियम कर दिया है ना, तो इसको रेगुलर हिलाएंगे वरना ये चिपक जाएगा फिर से, तो इसको हम अच्छे से भूनते हैं। चलिए, तो ये देखिए मसाला भूनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसने अपना ऑयल भी रिलीज कर दिया है, बहुत बढ़िया से ये तैयार हुआ है, और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, जबकि इसमें मैंने खाने का कोई भी फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया है, ये देखिए, और ना ही इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा कलर देती है, लेकिन आज मैं उसका प्रयोग नहीं करूँगी। अब मैं इसे आज बिल्कुल सिंपल रेसिपी से बना रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, और लेकिन जो इसका टेस्ट होता है, कमाल का टेस्ट होता है, इसके आगे राजमा छोले सब फेलें, ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ये लोबिया, बहुत ही बढ़िया सा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो अभी हम इसको, मैंने अब गैस की फ्लेम थोड़ा तेज कर दी है, बिल्कुल हाई कर दी है ना, तो अब हम इसे ऐसे ही थोड़ा सा भून लेंगे बहुत अच्छे से, बस 1 मिनट इसको अभी और भूनेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये देखिए, इसने पूरा ऑयल बहुत अच्छे से छोड़ दिया है, आप देख पा रहे होंगे बढ़िया से बुलबुले उठ रहे हैं, और यहाँ पर भी ये देखिए बिल्कुल इतना बढ़िया से ये तैयार हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये जो मैंने मिक्सी में थोड़ा सा टमाटो और वो पीसा था ना, उसका थोड़ा पानी निकला है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी, ठीक है। तो इसमें नीचे भी अगर कोई मसाला चिपका होगा ना, तो वो ऊपर आ जाएगा, ये ट्रिक बहुत काम करती है, वरना मसाला कई बार बर्तन में चिपका रह जाता है और फिर ऐसे ही रह जाता है वो, है ना। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा थोड़ा पूरा पानी इसमें ऐड कर दूँगी, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं नीचे तले में बिल्कुल, अभी आपको दिखाऊँगी मैं, कुछ भी नहीं चिपका होगा, तो ये सब कुछ, ये पानी अगर मैं डाल दूँगी ना ऊपर से थोड़ा सा,
तो उससे ये फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी मैं इसमें भी अच्छे से उबाल आने देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं, उसके बाद हम इसे लोबिया में ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा इसको कुक कर लेते हैं अभी। तो ये देखिए ये कुक होना शुरू हो गया है, ये बबल्स आ रहे हैं ना इसमें। तो इसी बीच में क्या करूँगी, इसकी जगह पर ये कुकर रख दूँगी जिसमें दाल है, और इसे मिक्स कर दूँगी, ठीक है। और इसी में से जो साइड से पानी निकाल के मैं ये सारा कुछ इसमें डाल दूँगी। तो अब मैंने कुकर में सारे मसाले बिल्कुल ऐड कर दिए हैं, और आप देख सकते हैं। तो ये चावल के साथ के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसकी ग्रेवी पतली ही रखूँगी, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना चाहते हैं ना, तो ये करछी की मदद से कुछ दानों को इस तरह से मैश कर दीजिए। थोड़ा सा आप करेंगे तो आप इसको रोटी के साथ भी बहुत अच्छे से खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें बहुत अच्छे से उबाल आने देते हैं और इसको तैयार करते हैं। चलिए ये देखिए इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ चुके हैं, दाल बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। ये देखिए इतनी बढ़िया से इसमें से खुशबू आ रही है ना। बस अब मैं क्या करती हूँ, इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आइए तो गाइस ये देखिए ये लोबिया की दाल बनके बिल्कुल रेडी है, और ये दाल ऐसी बनी है ना कि इसके आगे राजमा छोले सब फेल हैं। ये बहुत ही कमाल की, बहुत ही टेस्टी और बहुत यमी होती है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा धनिए से सर्व करेंगे, और इतनी बढ़िया से इसमें से खुशबू आ रही है उठ के कि क्या कहने, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है ये दाल। और ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।